बहुत हो गया। और चलो मम्मी यहाँ पर एक मिनट रुकना, हमने पता नहीं आए क्यों हम। चलो चलो आ जाओ। मैं तो आपकी हार देख रही थी, ये हार तो मेरा है। दोस्तों कहाँ से मिला आपको? हानियों को लग रहा है कि भाई उसका आसमान ने रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही गलतफहमी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और गलतफहमी हो गई है सरफ की माँ को। अब सरफ की माँ के पास आसमान पहुंच जाती है ना रिश्ता लेकर, और अब यहाँ पर आसमान रुड़ जानी है। यही हार मिला मेरे गले में डालने के लिए, उससे अच्छा तो मेरे गले में फांसी का फंदा डाल देती। चोर भी है भाई ये लोग। जो है वो बोलती है कि मेरे को आपका बेटा बहुत पसंद है और यहाँ पर मैं रिश्ता पक्का करने आई हूँ। और भाई वो तो सुनती नहीं है कि लियो का करना है किसका करना है। वो कह देती है हाँ हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और रिश्ता लेकर आई है आप। यहाँ पर सरब और मेहर तो बिल्कुल एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। मेरा हाथ चुरा के मेरे घर में आए आप, मुझे चोर बोल रही है। आप कह रही है कि मैंने आपका हार चुराया। तो यहाँ पर जो उसकी छोटी बेटी है वो अब यहाँ पर जो हरली ने ना उसके लिए लेकर आई होंगी, और यहाँ भाई वो मान लेती है, बोलती है ठीक है। और वहीं हम देख रहे हैं कि जो मेहर है ना वो तैयार हो रही है। मेहर को अभी ये नहीं पता है कि उसकी शादी पक्की होने वाली है, मतलब सगाई वगैरह हो जाएगी। अब वाह, शराबियों के खानदान के साथ साथ चोरों का खानदान भी है इनका। ये तो अड्डा ही हार है, मुझे आज चोरों ही मिला है। वो हमारे हॉल की जो कबर थी ना वहाँ नीचे है। सरब की मम्मी लियो को लेकर आ गई और सरब नहीं आया है, तो भाई ये हानिया देखकर ना शॉक हो जाएगी। अरे जिस लड़के के संग शादी करनी है पक्का करना है वो ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पर जो आसमा है ना वो भी उससे पूछती है कि सरब कहाँ है, तो कहती है वो तो घर पर है। तो आसमा थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बात है भाई। यहाँ पर क्या होता है कि वो शगुन से गिरा पड़ा था। मैंने माफ कर दो जी, सॉरी है जी। सुन लिया है, होगी तसल्ली। मैडम जी वो तोड़ा पैसा तोड़ी अकड़ तोड़ा एटीट्यूड और तुहानू मुबारक हो। उनकी थाली भूल जाती है और अब तो उसको बुलाना ही पड़ता है सरब को। और सरब को फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो शगुन की थाली है ना वो लेकर आ जाओ। तो अब यहाँ पर जब आएगा ना वो तो बड़ा शॉक हो जाएगा कि मैडम के यहाँ क्यों बुलाया है शगुन की थाली लेकर। और वो मेहर को देख के बहुत शॉक हो जाएगा। मेहर तैयार होकर आती है और आसमा इतने में अनाउंस कर देती है देखिए भाई लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई। और यहाँ पर हरलीन के सामने साथ साथ आता है कि भाई मम्मी मेरी शादी नहीं करानी थी, सरब और मेहर के रिश्ते की बात कर रही थी। और ये देख कर ना हरलीन का तो दिल टूट ही जाएगा। और वहीं पर जो सरब की माँ है वो भी बिल्कुल शॉक रह जाएगी, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं तो लियो के लिए आई थी ना, लियो को बड़ा तैयार वगैरह करके लाती हूँ। और लियो भी बड़ा शर्मा रहा होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है कि भाई उसकी सगाई पक्की होने वाली है, रिश्ता पक्का होने वाला है। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि भाई यहाँ पर तो सरब और मेहर का रिश्ता पक्का होने वाला है।